कृष्ण ग्रुप ऑफ एजुकेशन एंड कोचिंग सेंटर बड़ऊर जपटापुर जौनपुर के प्रांगण में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मास्टर रामाश्रय यादव ने की। मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि शिक्षक का स्थान माता पिता से भी बड़ा होता है और एक शिक्षक ही समाज को दीपक बनाकर रोशनी प्रदान करने का कार्य करता है। यही शिक्षक आज के बच्चों को कल की भविष्य में उज्जवल बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारी पार्टी सबका साथ और सबके विकास के उद्देश्य से कार्य करती है। देखिए जौनपुर से राकेश कुमार शर्मा की यह रिपोर्ट। मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी सेवानिवृत्त अध्यापक हैं अपने गले में माला डाले रखेंगे और सर के साथ एक पकड़ी के लोग मुबारकपुर से आए। हाँ हाँ मुबारकपुर से हम ही लोग आए हैं। हाँ हमारे यही हम सुने थे लाली जी कि जिया लाल जी आप प्रधानाध्यापक समझ श्री है चंद्रशेखर मास्टर जी के बॉम्बे मास्टर जूनियर हाई स्कूल से रिटायर्ड हुए हैं बेचारे और उनके विनोद जी के पिताजी हाफिज विनोद जी को भाई बधाई है जिन्होंने रचनात्मक कार्य। हाँ हाँ बहुत इनका स्नेह रहा जो ये भाई हफीज जी है अब्दुल हफीज साहब आपके भकुरा में थे आ जाते थे बुलेट से। अरे मंत्री जी है आप श्री कृष्ण चंद्र यादव दिखाई नहीं पड़ता आग से मैं आपको बुलेट से देखता था। सर आपने जो काम किया है वो बेमिसाल है। कलम ले लो अभी आग तो दिख नहीं रहा है। और कोई है? तो कार्यक्रम आज यहाँ हुआ है किस विषय को लेकर हुआ है? आज जो है शिक्षक दिवस है, शिक्षकों के सम्मान के समारोह कार्यक्रम था। जो अवकाश प्राप्त शिक्षक है जिन्होंने लंबे समय तक सेवा दिया है उन सबका आज सम्मान किया गया और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला किया माध्यमिक शिक्षा हो बेसिक शिक्षा हो उच्च शिक्षा सभी आज शिक्षक दिवस के रूप में जिले स्तर पर भी शिक्षक सम्मान समारोह मनाए गए हैं। अभी हम दो कार्यक्रम करके आए हैं, तीसरा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। तो सरकार ने एक सुनहरी पहल की है और जिससे शिक्षकों का सम्मान बढ़ा है। और जैसा कि कुछ शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आपको अवगत कराया है, इस विषय पर आपका क्या कहना? इस विषय पे हम लोग बातचीत करेंगे, जो भी होगा इनके सुझाव आए हैं जो इनके आवेदन आएंगे उस संबंध में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएंगे। आप अपने माध्यम से आज जौनपुर की जनता और शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने दिया शिक्षक की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक जो है देश के निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है और निश्चित रूप से शिक्षक के योगदान से ही आज हमारे देश में वैज्ञानिकों का है, राजनीतिक क्षेत्रों में भी है और डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, तो उनके योगदान बहुत बड़ा है और जितनी भी उनकी प्रशंसा की जाए वो कम।